एनिवर्सरी सो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट को आज वन ईयर हो चुका है प्रॉपरली सो uh, so, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही मोटिवेटेड हूँ बिकॉज़ आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमारे बैचेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आप मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद कर पा रहे हैं कि वन ईयर में हम इतना ज़्यादा ग्रो करें हैं सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऐसे ही मैं आपको और आने वाले सालों में कंटेंट प्रोवाइड करूं और आप लोगों की हेल्प करूं इन यार नर्सिंग फील्ड्स और आपके गोल्स को अचीव करने में आप लोगों की हेल्प करूं सो थैंक यू सो मच एंड आज के ऑफ़र्स चल रहे हैं ऑन अ वन ईयर ऑफ एनिवर्सरी सो जिस जिसको ऑफर्स ज्वाइन करने हैं सो so सेवन 44089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप वन ईयर एनिवर्सरी के ऑफर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो ऑफर है वन डबल नाइन का ऑफ चल रहा है हर एक बैच में सो so, ई का क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है वो क्रैश कोर्स है वन डबल नाइन का जिसमें हम ई के इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे प्लस हम एम करेंगे एंड टेस्ट सीरीज करेंगे बाकी सब आर आर बी एंड बाकी जो हमारे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए हमारे दो बैचेस चल रहे हैं एक है वन डबल नाइन का एक है टू फोर डबल नाइन का दोनों ही बैचेस जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड है थ्री मंथ्स के ये बैच है और ई का जो बैच है वो टू मंथ्स का है ये जो क्रैश कोर्स है सो so, ये जो वन फोर डबल नाइन है इसमें हम बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं थ्योरी नहीं करेंगे बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हर एक पेपर की करेंगे ई में हम सिर्फ ई के कर रहे हैं बट इसमें हम हर एक पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ एम आपको करवा रही हूँ मैं टेस्ट सीरीज़ भी आपको दे रही हूँ टू वाला बैच जो है हमारा फुल थ्यूरी बैच है जिसमें अनाटमी प्लस फिजियोलॉजी फुल थ्यूरी टेस्ट सीरीज़

क्वेश्चन है व्हेन टीचिंग द केयर गिवर ऑफ अ पेशेंट हु हैज डिमेंशिया हुआ एल्जमियर टाइप नर्स शुड स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सो एक पेशेंट है जिसको एल्जमी टाइप है डिमेंशिया है उसे एल्जमियस टाइप का सो so उस पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज पे स्ट्रेस करना रहेगा एक नर्स के कि इंक्रीज करें स्टिम्यूलाई प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट बनाए रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज करें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करें सो देखो एल्जमीर डिसीज़ क्या है इसको हम सीनाइल डिमेंशिया भी बोलते हैं ठीक है इसको हम सिनाइल डिमेंशिया भी बोलते हैं इसमें क्या होता है प्रोग्रेसिव डिसीज है ये ठीक है मेमोरी और मेंटल मेमोरी और मेंटल फंक्शंस में प्रॉब्लम आ जाती है पेशेंट के ठीक है ना प्रोग्रेसिवली पेशेंट के मेमोरी एंड मेंटल फंक्शन जो है डिटीरियोरेट होते हैं ठीक है डिस्टर्ब है? होते हैं प्रोग्रेसिवली सो ये जो है इसमें अब पेशेंट जो है अपनी मेमोरी भूल गया है रिमोट भी और रिसेंट भी दोनों मेमोरीज भूल चुका है अब इसमें क्या रहता है कि हम उसके लिए एक प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट बनाएं ऐसा क्यों ताकि वह टाइम प्लेस एंड पर्सन से ओरिएंटेड रहे और जो चीज़ें वो जहाँ से आज उठा रहा है वहीं से वो कल उठाए ठीक है बिकॉज पेशेंट की मेमोरी बहुत वीक है तो अगर आप कोई भी चीज़ इसकी इधर उधर रखते हो तो वो भूल जाता है सो so, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस रहता है कि आप प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट बनाओ इस पेशेंट के लिए ठीक है इसमें जो ब्रेन सेल्स का कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और जो डिस्ट्रॉइंग हो जाती है मेमरी सेल्स ठीक है तो याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट है पेशेंट रिसेंटली बीन डायग्नोज विद लुकीमिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम वुड नर्स एक्सपेक्ट टू सी विद गिवन डायग्नोज सो तो एक पेशेंट है रिसेंटली किस चीज़ से वो डायग्नोज हुआ है लुकीमिया से तो इनमें से कौन सा सिम्टम जो है इस डायग्नोज के साथ हमें दिखेंगे पेशेंट में ब्रोइशिंग फिटीक बोन पेन ब्रेडिकार्डिया हाइपर टेंशन पैल्पिटेशन पेरिस्थीजिया फेशियल रेस, सबडामिनल पेन डिसिप्नियम लेज एंड हाइपर टेंशन सो पहले लुकीमिया के बारे में पढ़ते हैं इट्स अ ब्लड कैंसर इसको हम ब्लड का कैंसर भी बोलते हैं ठीक है जिसमें क्या हो जाता है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ का ठीक है कैंसर हो जाता है ठीक है सो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ का कैंसर हो जाता है इंक्लूडिंग बोन मैरो ठीक है और इसमें लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोब्लास्टिकलोकीमिया एक्यूट माइलॉयड लोकीमिया इसकी टाइप्स हैं जो कि आप सब लोगों ने लोकीमिया में पढ़ी होंगी सो so इसमें हमें क्या देखने को मिलता है ब्लड का कैंसर है सो so ब्लड के रिलेटेड सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं ब्रोइशिंग फटीग एंड बोन पेन ठीक है ये सिम्टम जो है इसके ट्राइट सिम्टम्स भी माने गए हैं बिकॉज ये सिम्टम्स सबसे पहले हमें पेशेंट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं पेशेंट का क्योंकि लो है तो आर का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो टीक में रहता है पेशेंट को ब्लड की प्रॉब्लम है इसलिए ब्रुइशिंग ईजीली हो जाती है बोन पेन इसलिए है क्योंकि एक तो बोन बारो में भी प्रॉब्लम है और पेशेंट का जो ब्लड है वो प्रॉपरली पूरे बॉडी में नहीं जा पाता और पेशेंट को हर जगह पर पे बोन पेन देखने को मिलती है सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन

नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब द कोग्नेटिव ट्रेड ऑफ डिप्रेशन सो इनमें से कौन सी चीज डिस्क्राइब करती है कॉगनेटिव ट्राइड ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन के कॉगनेटिव थिंकिंग के कौन से ट्राइड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं सो हेल्पलेसनेस स्लीपलेसनेस वर्थलेसनेस थॉटलेसनेस वर्थलेसनेस स्लीपलेसनेस होपलेसनेस वर्थलेसनेस थॉटलेसनेस होपलेसनेस वर्थलेसनेस हेल्पलेसनेस सो इट्स ऑब्वियसली आपने पढ़ा है और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एक नंबर देखे जाता है सबको होपलेसनेस वर्थलेसनेस हेल्पलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस पेशेंट जो है हर टाइम बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है कोई होप नहीं होती उसे किसी से भी वर्थलेस लगता है उसको लगता है कि मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं लगता मैं बहुत वर्थलेस हूँ किस मेरी कोई वैल्यू नहीं है हेल्पलेसनेस उसे लगता है कि मेरा को कोई भी हेल्प नहीं कर सकता और ये कॉग्नेटिव ट्राइड है मतलब कि पेशेंट की थिंकिंग के होप भी हम सोचते हैं वर्थ भी हम सोचते हैं हेल्पलेसनेस भी हमारी सोचने से आती है सो इट्स दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ

तो नर्स क्लाइंट को बोलेगी कि ये चीज़ें आपने प्रिवेंट करनी है ताकि आपको लिथियम टॉक्सिसिटी ना हो ठीक है सो so रिस्क होता है लिथियम टॉक्सिसिटी का सो so क्या चीज़ आप बोलोगे क्लाइंट को अवॉइड करें कि वो डिहाइड्रेटेड ना हो एक्सरसाइज के टाइम इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू चेंज पोजिशन स्लोली रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक इन द डाइट लिमिट फ्लूड इनटेक याद रखो कि जब भी हम लिथियम की बात करेंगे तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो वाटर और एक हमारा सॉल्ट ठीक है दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका प्रॉपर अमाउंट आपने लेना है बॉडी में ऐसा क्यों अगर बॉडी में प्रॉपरली हाइड्रेटेड होगी तो लिथियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट होगा और उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे दूसरा अगर सॉल्ट प्रॉपर होगा तो लिथियम जो है वो रिटेन नहीं करेगा सॉल्ट uh, की कंपनसेशन में ठीक है क्योंकि जब भी बॉडी में सोल्ट कम होता है तो लिथियम सॉल्ट का काम करने लग जाता है और बॉडी में रिटेन रहने लग जाता है इसीलिए लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है क्योंकि अगर लिथियम रिटेन करेगा सो ऑब्वियसली लिथियम जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा सो so, हम पेशेंट को क्या कहेंगे कि डिहाइड्रेटेड रहना अवॉइड करना है एक्सरसाइज के टाइम पे दूसरा पोजीशन स्लोली चेंज करने का कोई मतलब नहीं है सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं करना बल्कि नॉर्मल लेने के लिए बोलना है और फ्लूइड इनटेक भी लिमिट नहीं करना प्रॉपर फ्लूड इनटेक लेना है अच्छे से पूरे दिन में ताकि लिथियम की टॉक्सिसिटी ना हो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है सो so, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखो कि क्या चीज़ आपको पेशेंट को बोलनी है क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच नर्सिंग एक्शन इज एसेंशियल वेन प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस इंटरनल फीडिंग तो आप कौन सा नर्सिंग एक्शन लोगे जब आप कंटिन्यूअस इंटरनल फीडिंग दे रहे हो पेशेंट को सो so, उससे पहले अगर कोई भी बच्चा 7973244089 कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अभी बैच ज्वाइन कर सकता है बच्चों लेट मत करो ईएसआईसी का क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है जो कि टू मंथ्स का क्रैश कोर्स है ओनली फॉर वन वन डबल नाइन का ये क्रैश कोर्स है जिसमें हम ईएसआईसी के सारे के सारे इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे एम करेंगे टेस्ट सीरीज़ भी आपको इसी में मिलेगी प्लस डाउट क्लासेस रहने वाली हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड ये क्लास को क्रैश कोर्स है अगर आप लाइव नहीं लगा पाते तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी रेगुलरली मिलेंगी नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से ये ई का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो बाकी जो हमारे बैचेस चल रहे हैं उन पे आज हमारी वन ईयर एनिवर्सरी का वन डबल नाइन का ऑफ चल रहा है अगर आप आर की प्रिपरेशन कर रहे हो नॉर्थ की प्रिपरेशन कर रहे हो जी की प्रिपरेशन कर रहे हो पी की प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वन का एक हमारा बैच है जिसमें हम इन सारे पेपर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा 200 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं प्लस एनसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज प्लस डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर और एक है टू फोर डबल नाइन का बैच इन दोनों बैचेस पे वन डबल नाइन का वन ईयर एनिवर्सरी का ऑफर चल रहा है टू फोर डबल नाइन बैच में हम अनाटमी प्लस फिजियोलॉजी ये सारा फुल थ्योरी बैच रहेगा टू फोर नाइन का बच्चों फुल थ्योरी बैच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यूज डाउट क्लासेस प्लस हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सो so, कोई भी बैच जो है आप इन नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो ई वाले ई के लिए जाएं बाकी पेपर वाले इन बैचेस की तरफ जाएं ये दोनों ही बैचेस थ्री मंथ्स के हैं बच्चों बहुत ही अफोर्डेबल बैच हैं और मैं आपको हंड्रेड परसेंट श्योरिटी दे सकती हूँ कि हमारी तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली सो so, कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने नंबर आपकी स्क्रीन पे है कॉल या फिर मैसेज कर लीजिए आज के दिन ऑफर का आप फ़ायदा उठा सकते हो सो इंटरनल फीडिंग दे रहे हैं हम पेशेंट को कॉन्टीन्यूसली तो क्या करेंगे एलिवेट द हेड ऑफ़ द बेड पोजीशनिंग द पेशेंट ऑन लेफ्ट साइड रि वार्मिंग द फार्मूला बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग हैंगिंग द फार्मूला फॉर एट आवर्स सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरनल फीडिंग में एक तो जो फीडिंग है वो प्रॉपरली इजीली चले जाती है अगर आप हेड ऑफ़ द बेड एलिवेट करके रखते हो दूसरा एस्पिरेशन कम होने के चांसेस होते हैं So, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूस दे रहे हो तो बेड और रिफ्लक्स भी नहीं होगा हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करके रखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलिंग कंडीशन इज नोन एज तो आईसीयू का पेशेंट बोलता है कि कोई उसका नाम लेता है जब वेंटिलेटर अलार्म जो है वो बचता है तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे Illusion, delusion, hallucination, delusion. So, देखो क्या होता है कि यहाँ पे stimulus present है 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 कि पे पे को वो वो गलत समझ रहा 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 उसको उसको लग रहा है, alarm बजने पे उसका कोई नाम ले रहा है. उसको वो बीप नहीं सुनाई दे रही उसको क्या सुनाई दे रहा है अपना नाम सो so, जब भी हमारा प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं एल्यूजन अगर ये वेंटिलेटर अलार्म के बारे में पेशेंट नहीं बोलता तो ये बन जाता हेलुसिनेशन और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है स्कीजो वाले पेशेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट विल बी द ब्लड प्रेशर रीडिंग इफ एडल्ट बीपी कफ इज टाइट सो अगर एडल्ट बीपी कफ टाइट होगा तो उसकी रीडिंग क्या होगी हायर रीडिंग लोअर रीडिंग नॉर्मल रीडिंग नो चेंजेस सो इट्स ऑलवेज हायर रीडिंग क्योंकि टाइट कफ क्या करेगा ब्लड प्रेशर को कंप्रेस कर देगा और जैसे ही आप उसे डीफ्लेट करोगे तो एकदम से ब्लड का रिलीज होगा और वो टाइट कफ से जब ब्लड का रिलीज होगा तो वो इतना फास्ट होगा कि वो ब्लड की वेसल्स पे बहुत ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर मारेगा और प्रेशर मारने पे हाई बीपी की रीडिंग आएगी अगर यही कफ लूज होता तो लोअर रीडिंग आती क्लियर चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड टू बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर वीडियो को लाइक like कर दो अगर देख रहे हो अभी तक सो so, इनमें से क्या चीज़ जो है स्टोर्ड नहीं करते हम रेफ्रिजरेटर में ओपीवी ओपन इंसुलिन मीजल वैक्सीन इन्फ्लुएंजा सो इट्स ऑलवेज अ ओपन इंसुलिन इसको आप रेफ्रिजरेट नहीं करोगे नहीं तो ये खराब हो जाएगी ओपीवी मीजल एंड जो ये इन्फ्लुएंजा है ये सारी क्या है लाइव वैक्सीन सो लाइव वैक्सीन को हमेशा हमें रेफ्रिजरेट करना पड़ता है सो so, ये आपने याद रखनी है लास्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ द साल्ट स्केल इन द कम्युनिटी सेटिंग इज टू मेजर सो जो साल्ट साल्टर स्केल है यहाँ पे ई ER आर लगा लेना साल्टर स्केल्स कम्युनिटी में यूज होता है किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वेट को हाइट को माल न्यूट्रिशन को या फिर मीडियम सरकम फ्रांस को मिडाम सरकम फ्रांस को यहाँ पे आएगा सो so, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ देखती आज आपकी कम्युनिटी कितनी अच्छी है आपको कम्युनिटी के बारे में कितना कुछ नॉलेज है क्योंकि कम्युनिटी से से भी अच्छे खासे आते हैं सो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो था कि फ्रूसामाइड किस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन पे एक्ट करती है सो इट्स असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इसीलिए इनको हम लूप ऑफ डायुरेटिक लूप डाई बोलते हैं क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले पे काम करती है अब लूप ऑफ हेनले तो दो हैं सो ये किन पे काम करती है असेंडिंग लिंब ऑफ द लूप ऑफ हेनले ठीक है सो so, वीडियो को लाइक like कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेगुलरली ऐसी क्वेश्चंस देखने के लिए और थैंक यू सो मच वन uh, ईयर तक इतना सपोर्ट करने के लिए और आगे भी मैं आप लोगों का इतना ही प्यार और इतना ही सपोर्ट चाहती हूँ एंड अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज का वन डबल नाइन का ऑफ आप ले सकते हो क्रैश कोर्स जो रहने वाला है ईएसआईसी का वो है ओनली वन वन डबल नाइन का टू मंथ्स का ये क्रैश कोर्स है जिसमें आपको ईएसआईसी के में सारे जो ईएसआईसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अदर हम सब्जेक्ट्स की बात अदर पेपर्स की बात नहीं कर रहे ईएसआईसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एम प्लस टेस्ट सीरीज़ प्लस डाउट क्लासेस सब आपको इसी प्राइस में एकदम साथ में मिलेगा टू मंथ्स के लिए सेवन जुलाई को पेपर है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो सेवन नाइन सेवन थ्री टू फोर फोर जीरो एट नाइन पे ये बैच जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड है लाइव भी मिलेगा आपके रिकॉर्डिंग भी मिलेगी प्रॉपर क्रैश कोर्स है बाकी जो पेपर्स हैं उनके लिए हमारे दो बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं एक है वन फोर डबल नाइन का क्योंकि जो अब नहीं करेगा वो कभी नहीं करेगा वन फोर डबल नाइन टू फोर डबल नाइन ये दोनों बैचेस जो है ये थ्री मंथ्स के बैचेज हैं ये भी लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेज है वन फोर डबल नाइन में हम हर एक पेपर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि टू हंड्रेड प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं एम सी क्यू क्लासेस हर टाइप का हर सब्जेक्ट से टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं टू फोर डबल नाइन जो है वो मेरा फुल थ्योरी बैच है जिसमें हम अनेटमी प्लस फिजियोलॉजी फुल थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एम सी क्यू सब करने वाले हैं सो so कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डीले सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो मिलती हूँ आपके साथ कल की वीडियो में टिल देन डू हार्ड वर्क मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट बच्चा